पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट केस 17 साल के नाबालिग आरोपी पर मुनव्वर फारूकी ने कसा तंज, बोले वो पोर्ट्स खरीद सकता है तो फिर। जी दोस्तों, पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट मामले में मुनव्वर फारूकी ने उस माइनर आरोपी के खिलाफ अपनी बात रखी है और जिस पर लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी दोस्तों, मुनव्वर फारूकी उन सेलिब्रिटी में से एक है जो किसी भी मुद्दे पर बात करने से नहीं डरते। जी दोस्तों, अब मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में हुए पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट पर अपना रिएक्शन दिया है। जैसे कि सब जानते हैं कि 17 साल के माइनर ने अपनी पोर्ट्स गाड़ी से दो लोगों की हत्या कर दी है और इस केस में गिरफ्तार होने के बाद आरोपी सिर्फ 15 घंटे में रिहा कर दिया गया था। हालांकि उसे अब जुवेनाइल कस्टडी सेंटर भेज दिया गया है। तो अब इस पर मुनव्वर फारूकी ने अपने स्टाइल में अपनी बात रखी है। जी दोस्तों, उन्होंने पैसों की आड़ में गलत काम करने वालों पर निशाना साधा है। जी दोस्तों, मुनव्वर फारूकी ने लिखा, वो पोर्ट्स खरीद सकता है तो बाकी चीजें भी खरीद लिया होगा ना। इतना ही नहीं, इसके बाद मुनव्वर फारूकी ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा है, जब मैं 17 साल का था मेरे पास 1100 नोकिया था जिसमें दो रबर बैंड लगे थे। जी दोस्तों, मुनव्वर फारूकी के इन दोनों पोस्ट पर यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं और सभी उनकी इस बात से सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबका कहना है कि आरोपी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। किसी ने लिखा कि पैसे की आड़ में दो जिंदगी गंवा दी, और किसी ने लिखा कि उन परिवार से पूछो जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या पैसा उनका दर्द खरीद सकता है। बता दें कि इस केस में अब तक आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि ये जानते हुए कि बेटे के पास लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चलाने में निपुण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी। जी दोस्तों, आजकल पैसों के सामने जिंदगी का कोई मोल नहीं है और ये सच्चा कड़वा सत्य है। और इस एक्सीडेंट को देखकर एक राय मैं भी देना चाहूंगा आज। मेरे हिसाब से इसमें गलती कहीं ना कहीं सरकार की भी है। सरकार की गलती क्यों है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन। जी दोस्तों, इन बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है समाज की जिम्मेदारी क्या है। इन्हें रूल और रेगुलेशन का कुछ पता नहीं है। ना ही एड आते हैं। एड आ रहे हैं गुटखा खाने वालों के, शराब पीने वालों के। भाई, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही, दो चार अच्छे एड चलते रहने चाहिए जिससे गाइडलाइन का पता चलते रहे, जिससे आज के यूथ को पता चले, हाँ भाई ये गाइडलाइंस है रोड में चलने के, ये रूल है और इसकी सजा ये है, इसका चलान इतने का होता है। और ये एड टीवी में चलता रहना चाहिए, मोबाइलों में चलते रहने चाहिए, फेसबुक में चलना चाहिए, इंस्टा में चलना चाहिए, जिससे नई यूथ को अवेयरनेस हो। भाई, हमारे समाज के बारे में गवर्नमेंट अपने रूल और रेगुलेशन बताएगी नहीं तो उन्हें फॉलो कैसे करेंगे बच्चे? भैया, तुम जानकारी दो ना, ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा करने से ऐसी सजा मिलेगी, आधे से ज्यादा क्राइम बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वही बात करें मुनव्वर फारूकी की, तो बिग बॉस 17 जीतने के बाद से वो काफी बिजी है। वो सोच के अलावा गानों में भी नजर आ रहे हैं, वही जल्दी उनका एक्टिंग डेब्यू भी होने वाला है, वही वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी में नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले इसका टीजर रिलीज हुआ था जिसे काफी पसंद किया गया है। इसमें मुनव्वर फारूकी का ग्रे किरदार है। तो दोस्तों, अगर आप भी मुनव्वर फारूकी की बात से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट में बताइए और मेरी बात कैसी लगी वो भी बताइए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जय भारत।